प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 4 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि BTSC ANM 10,700 की रिकॉर्डिंग में एक बड़ा अपडेट आ चुका है केस की रिकॉर्डिंग में, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ में जो भी नई बहाली को लेकर के वेट कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग में, उन सभी के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। अखबारों के माध्यम से अपडेट जारी किए गए हैं। साथ ही में संविदा ANM यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं कल के डेट में, क्या उनकी मांगे हैं वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और भी कई सारे अपडेट्स होंगे जो कि इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं जानकारी BTSC ANM से। तो एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ BTSC ANM 10,700 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बहाली में केस हो चुका है, इसके लिए यहाँ पर लगातार हियरिंग डेट और सुनवाई हो रही है। तो इसी को लेकर के 5 तारीख को नेक्स्ट सुनवाई का डेट रखा गया है। अब हो सकता है कि 5 तारीख को कोई एक डिसीजन निकल कर आ जाए, यानी कि कल आप लोग का सुनवाई होगा। अब जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा, कोई भी यहाँ पर बदलाव होता है बहाली में या फिर कुछ भी होता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो उसके लिए निश्चित रहिएगा दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि आप लोग का सुनवाई कल होने वाला है, और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर जो बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनको भी संविदा ANM ने ज्ञापन सौंप दिए हैं कि सर हमारी बहाली में ऐसा हो रहा है, तो वहां पर भी ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब जैसे ही अपडेट्स आते हैं मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरा अपडेट होने वाला है वो नई बहाली को लेकर के है, ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा। नौकरी देने की प्रक्रिया जारी रखे सरकार, इसको लेकर के मांग किया गया है। देखिए ये जो कि अपडेट है वो शक्ति जी के माध्यम से बताया गया है। प्रदेश के जो राजद के मुख्य यहाँ पर आप कह सकते हो शक्ति सिंह यादव हैं, उन्होंने राज्य सरकार से यहाँ पर बिहार के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए महागठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई जो नौकरी थी, यानी कि जो नौकरी दी जा रही थी लाखों की तादाद में, उसे यहाँ पर जारी रखने का यहाँ पर अनुरोध किया है। शनिवार को पूर्व विधायक यानी कि श्री यादव ने यहाँ पर कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव के बतौर में स्वास्थ्य मंत्री में के बतौर में करीबन 1.35 लाख जो भर्तियां रिक्त थे, स्वास्थ्य विभाग की बात की जा रही है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, 1.35 लाख लोगों की जो कि नौकरियां भरने की मंजूरी दी गई थी। वहीं शिक्षक की भी काफी सारे यहां पर वैकेंसीज थी, तीसरे चरण में भी 1 लाख करीबन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, और भी कई सारे विभागों में जो वैकेंसीज निकालनी जानी थी, वो सभी वैकेंसीज जल्द से जल्द निकाली जाए और मानदेय में बढ़ोतरी करके कैबिनेट के स्तरीय पर मंजूरी दी जानी बाकी है, और ये सभी को यहाँ पर करने का यहाँ पर प्रस्ताव को रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर भी यही अपडेट आप पढ़ सकते हो, नौकरी देने की तेजस्वी की योजना के लेकर के नहीं कर रहे हैं सरकार, वो यहाँ पर आप अपडेट पढ़ सकते हो, जहां पर कि ये बोला जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरी लगातार अपडेट दे रहे थे कि निकाली जाएगी, पर वो लगभग अंतिम चरण पर था, उसे निकाल दिया जाए, इसकी यहाँ पर मांग की जा रही है दोस्तों। तो अगर बहाली आती है तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी होगा दोस्तों। अब जैसा कि मैं आपको अपडेट दे रहा था कि यहाँ पर ANM भी प्रदर्शन करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोस्तों 5 तारीख को यानी कि कल के डेट में यहाँ पर एक तरीके से जो राज्य स्वास्थ्य समिति है वहाँ आंदोलन किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, तो क्योंकि इन लोगों का वेतन बढ़ोतरी अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। अब जो ANM का सैलरी कम ही मिलता था, बहुत सारे ANM को सैलरी बढ़ा भी नहीं है, तो ये गलत है। जैसे कि बहुत सारे हमारे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि 865 का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, ये क्यों ऐसा सरकार ने किया कि कुछ का बढ़ाया है कुछ का नहीं बढ़ाया है। जब बढ़ाना ही है तो सभी NHM कर्मचारियों को बढ़ाया जाए और सभी को एक समान बढ़ाया जाए। तो इसी के रिकॉर्डिंग में ये अपडेट्स होने वाला है, आप लोग पढ़ सकते हो, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि 5 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य समिति में आंदोलन किया जाएगा और निर्णय लिया गया है दोस्तों।
अब ये अपडेट तो मैंने आप लोग को बता दिया, साथ में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूँ। लगातार अपडेट्स आ रहे थे कि बिहार के तो अभी के समय में स्वास्थ्य मंत्री कोई है ही नहीं, लेकिन अब कैबिनेट के माध्यम से आप कह सकते हो जिनका जो विभाग दिया जाना था वो बट चुका है। मंत्री कौन से मंत्री हैं, कौन से विभाग के हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो की हैं उनको मिल गया है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जायजा। तो अब जो भी यहाँ पर होंगे वो स्वास्थ्य विभाग के अपडेट्स यहां पर सम्राट चौधरी के माध्यम से निकलकर आते रहेंगे। तो यहां पर एक और अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविदा एनएम तो यहां पर अपना ज्ञापन सौंपे ही है, पैरामेडिकल संघ बिहार भी यहां पर अपना जो भी उनकी मांगे हैं उनको लेकर के भी यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि एक तरीके से उप मुख्यमंत्री भी आप इन्हें कह सकते हो, सम्राट चौधरी, उनको अपना ज्ञापन सौंपे हैं दोस्तों। और उनके भी कई सारे मांग हैं जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य विभाग का जो लचर व्यवस्था अभी के समय में बना हुआ है उसके रिगार्डिंग में कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो, बहालियां निकाली जाए, बहुत सारे यहाँ पर मांगे हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। मुख्यतः मांग ये भी है कि जो यहाँ पर बहालियां लंबित चल रही हैं, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर की बहाली काफी समय से नहीं आया है, जीएनएम की बहाली काफी समय से नहीं आया है, तो उसके रिगार्डिंग में मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो नियमावली क्लियर नहीं हुआ है वो नियमावली क्लियर करके जल्द से जल्द बहाली निकाली जाए। और भी कई सारे मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं। तो बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। अगर आपको कोई भी अपडेट देखना है तो वो सभी के सभी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, चाहे वो पेपर कटिंग हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, चाहे वो जो भी हो, मैं सभी के सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर भेज देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, या फिर टोटल वैकेंसी आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर सभी अपडेट्स मिल जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।